चौमिन बनाने के लिए देखिए सबसे पहले पानी हम गर्म कर रहे हैं। इधर देखिए सारा सामग्री तैयार है, रेड शिमला मिर्च, हरा वाला बंद गोभी, और इधर सोयाबीन हम भिगो के और रख लिए हैं 10 मिनट पहले ही। यहाँ पे 1 इंच का अदरक, 1 गांठ लहसुन को छील के बढ़िया से छोटा छोटा काट लें या कूट लें। इतना सारा मैं मिर्ची ली हूँ, इसको भी हम कूटेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं चाउमीन है, ये बाजार से ना 10 रुपया का एक पैकेट मिल जाता है, और इसके साथ ना सारा सोया सॉस, विनेगर, ये चाइनीज सॉल्ट सब कुछ मिल जाता है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है मार्केट में। और इसमें जाएगा प्याज, 3 प्याज, तो मतलब बाजार से सस्ता और बढ़िया चाउमीन घर में बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्याज का कटिंग कर लेते हैं। 1 चम्मच खाने वाले चम्मच से नमक डाल देंगे पानी में ही, और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। और यहाँ पे देखिए लहसुन और अदरक आ गया, और साथ में हम डालेंगे मिर्ची, इसको कूट देंगे, कूट लें या दरदरा पीस लें। इधर हम कढ़ाई में 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल के गरम कर रहे हैं, अच्छा से धुआं निकलने का। और पानी खोलने लगा है, चाउमीन को डाल देंगे और इस तरीके से इसको थोड़ा सा दबा देंगे कि अच्छा से भीग जाए। 1 मिनट रुकिएगा ना, तो ये सब 1 मिनट जब आप रुकिएगा तो सारा चाउमीन नीचे चला जाएगा, सॉफ्ट होकर कैसे उबलने लगा है, बस इसको 1 उबाल ही उबालना है, फिर तो आपका चाउमीन देखिएगा मस्त उबलेगा। इधर देख रहे हैं पूरा पेस्ट एकदम दरदरा कूट के रेडी हो गया है, और अब तो इसको कुछ नहीं करना है, तेल में से धुआं निकल रहा है, डाल दिए सारा का सारा मिर्चा अदरक लहसुन सब डाल दिए। इधर हमारा चाउमीन भी उबल गया है, बहुत ही अच्छा, ज़्यादा नहीं उबालिएगा नहीं तो ओवर कुक हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम छान लेंगे, एक बार इधर से इधर पलट के इसको छान लेते हैं, कच्चा भी नहीं रहना चाहिए, 1 उबाल आना चाहिए। देख रहे हैं कैसे उबला है। इधर प्याज हम डाल देते हैं कि हमारा जो पेस्ट है वो जले ना, बढ़िया से भुने, चला भी देंगे एक बार। हम नॉर्मल पानी से इसको धो लेंगे, नहीं तो ये आपस में चिपक भी जाएगा और खुला खुला नहीं होगा। देख रहे हैं कितना बढ़िया खुला खुला हुआ है। प्याज को हम बिल्कुल ब्राउन भी नहीं करेंगे, मतलब हल्का सा इसमें कच्चापन रहना चाहिए, जब जाके हम अपना बंद गोभी शिमला मिर्च सब ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए हम 10 मिनट पहले भिगो दिए हैं सोयाबीन को, इसका पानी निचोड़ लेते हैं, निचोड़ के निकाल लेंगे। आप चाहें तो चाकू से सोयाबीन को काट भी सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से डाल भी सकते हैं, ये छोटा वाला सोयाबीन है। चाउमीन जब भी बनाएं लोहे के कढ़ाई में बनाएं, बहुत ही स्वाद बनेगा। अब यहाँ पे सारा सब्जियाँ हम डाल देंगे, जो भी आपके पास सब्जी है सब डाल लें। डाल के इसको तेज आंच पे 2-3 मिनट भूने, ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट। तो जब तेल गर्म हो गया है सोयाबीन को डाल के भूनेंगे। तो सोयाबीन को देख रहे हैं कितना अच्छा हम हल्का हल्का गोल्डन आने तक भुने हैं, बस ऐसे ही आप भून के कर लीजिएगा, अलग से कढ़ाई में भूनिएगा, इसको टेस्ट 4 चांद आ जाएगा। आधा छोटा चम्मच हम लाल मिर्ची पाउडर लिए, इसमें डाल रहे हैं विनेगर, ये पाउच वाला विनेगर आता है ना वही है। यहीं पर डालेंगे चाइनीज सॉल्ट, लग रहा है मेरे को कि रेगुलर नमक है, चेक कर लूँ क्या। अरे ठग दिए हैं, रेगुलर नमक है, ये रहा चाइनीज सॉल्ट, ठीक है। इस तरीके से चुटकी से 2 चुटकी हम डाले हैं, ज़्यादा नहीं डालना है। तो बस सब्जियों को इतना ही पकाना है, और यहीं पे हम सब्जियों में ही डाल रहे हैं ये, अभी सोया सॉस नहीं डाले हैं, ठीक है। सोया सॉस हमारे घर में एक लोग नहीं खाते हैं, तो उनके लिए अभी बाद में सोया सॉस हम मिक्स करेंगे, मिला देंगे। और 2 कढ़ाई में हम बनाने वाले हैं, देखिए आधा आधा ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं,
आधा इधर माल जाएगा, आधा माल इधर जाएगा। दोनों जगह माल बराबर डाल दिए हैं। अब जाएगा ये अपना खुला खुला चाउमीन। ये आया अपना चाउमीन। चाउमीन का रेडी खोलने वाले हैं दोस्तों। आप बोलिएगा तो चाउमीन का कारोबार करने वाले हैं। रेगुलर नमक भी डाल लेंगे, चाइनीज सॉल्ट में भी नमकीन होता है, ठीक है? तो ध्यान से डालिएगा नमक। इस वाला कढ़ाई में भी डाल देंगे। जब तक हम चीज़ें डाल रहे थे फ्लेम को लो कर दिए थे, अब हम हाई करके इसको भूनेंगे। चाउमीन अक्सर आप देखे होंगे रेडी वाला भैया के पास, पतला कढ़ाई होता है, लोहे का होता है, और उसमें धुआंधार के भुनाई जब जाकर टेस्ट आता है अपनी है। आप वैसा तो भुनाई नहीं कर सकते, लेकिन लोहे के कढ़ाई में बनाइएगा, लोहे का तेल में बनाइएगा, बाजार से चार गुना टेस्ट आएगा। और इधर भी हम देखिए सोया सॉस मिक्स कर लेते हैं। एक कढ़ाई में हम मिक्स किए हैं, एक में नहीं किए हैं। तो मिक्स करने के बाद हम मिलाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को सोया सॉस पसंद नहीं है। सेम तरीके से हम इसे भी भून लेंगे। तो चाउमीन इज रेडी। जल्दी से खाने वाले लोग हो जाए तैयार। इसमें सेजवान सॉस भी डलता है, ठीक है? तो जाके मसालेदार बनता है, ठीक? मैं सिंपल साधारण बनाई, मेरा लड़का बोल रहा है चख लिया, वो बोल रहा है कि तीखा नहीं बनाई वो मम्मी। सॉस के बिना सोया सॉस के भाई, सोया सॉस के लगती तो भले टेस्ट कर लिया, बोल रहा है कि तीखा नहीं बनाई वो। सेजवान चटनी डलता है ना तो तीखा खूब चटपटा होता है। ये बाबू आपके लिए। हाँ बाबू बोल रहा है, अब मेरे मतलब की चीज बनी है। आइए इधर निकलिए। हाँ हो सकती है। आई रहोगे वो टेस्ट करो। खाइए ना, ज्यादा नहीं है। दो दिन बढ़ जाएगा, दो दिन उसमें, दो दिन उसमें, दो दिन। मामा भी खाएंगे, आइए। बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है, लस्सी के साथ चाउमीन। देख रहे हैं लस्सी के साथ चलेगा चाउमीन शाम के स्नैक्स में 4 बजे। वो भी सही लगा। ये नुकसान नहीं करेगा, बाजार का नुकसान कर देता है। हम तो भाई हाथ से खाते हैं, देसी जुगाड़। दोनों नॉर्मल है, हम एक भी तीखा नहीं है। जितना लोग दे देना मेरा। एक चम्मच तेरी मम्मी ले ली, दूध डाली इसमें, दूध एक प्याज डालो।